हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं, साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा, साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ए और बी दोनों को। दोस्तों केमिस्ट्री के नोबल प्राइज 2021 की घोषणा हाल ही में कर दी गई है। केमिस्ट्री में दो वैज्ञानिक को जो है नोबल प्राइज दिया गया है, जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबल प्राइज 2021 दिया गया है। दोनों वैज्ञानिक को यह सम्मान जो है अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल उपकरण बनाने के लिए दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है नोबल पुरस्कार का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दूं कि महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। 1901 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत नोबल फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। दोस्तों अगर बात करें कि प्रथम भारतीय का जिन्होंने यह पुरस्कार लिया था, तो पहले भारतीय हैं उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको बता दूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है यह पुरस्कार 1913 में जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद जो है सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, और उसके बाद जो है डॉक्टर अमर्त सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। तो अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के सातवें बल्लेबाज निनमें से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में रोहित शर्मा जो है T20 क्रिकेट में 355 मैच में जो है सर्वाधिक छक्का लगाने वाला भारत के पहले और दुनिया के सातवें बल्लेबाज जो है बन गए हैं। आपको बता दूँ कि अगर बात की जाए T20 में सबसे अधिक छक्के का, तो T20 में सबसे अधिक छक्का है वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का। आपको बता दूं कि अब तक जो है क्रिस गेल का 1042 छक्के हैं T20 में, और उसके बाद जो है वेस्टइंडीज के ही किरण पोलार्ड का 738 छक्के हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख जो है नियुक्त करने की घोषणा की है? तो नियुक्त करने की घोषणा की है वेंडी वर्नर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC ने वेंडी वर्नर को भारत में अपना नया प्रमुख जो है नियुक्त करने की घोषणा की है। वेंडी जो है इस पद पर जून झांग की जगह लेगी। वेंडी वर्नर नई दिल्ली स्थित कार्यालय से जो है भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर जो है ध्यान देगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। आपको बता दूं कि CSIR के इंस्टीट्यूट ने हिमाचल प्रदेश में जो है पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है हिमाचल प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में ये है हिमाचल प्रदेश, इसकी दो कैपिटल है, पहला शिमला इसकी जो है समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी जो है विंटर कैपिटल है, और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और इसका राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर। दोस्तों अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय पार्क का, तो इसका फेमस नेशनल पार्क में है ग्रेट हिमालयन, पीन वैली, इंदिरा किला, खीर गंगा, सिंबलवारा। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का फेमस नेशनल पार्क में है
ग्रेट हिमालयन, पीन वैली, इंदिरा किला, खीर गंगा, सिंबल बारा। तो अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो कार्यभार संभाल लिया है BC पटनायक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में LIC के MD बन गए हैं BC पटनायक। इससे पहले पटनायक जो है बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के जो है महासचिव थे। तो अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस यानी गंगा रिवर डॉल्फिन डे निम्न से किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस यानी गंगा रिवर डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दिवस जो है भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 5 अक्टूबर 2010 में जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। आपको बता दूं कि गंगा की डॉल्फिन को जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत जो है शामिल किया गया है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट जारी की है। तो यह रिपोर्ट जारी की है श्री मनसुख मांडविया ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने यूनिसेफ की 2021 में विश्व भर में बच्चों की वर्तमान स्थिति, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो है संरक्षित करने और देखभाल पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में 15 से लेकर 24 वर्ष तक के बच्चे में से जो है हर सात में से जो है एक बच्चा अक्सर जो है उदास महसूस करता है, यानी जो सात में से एक बच्चा जो है डिप्रेस्ड रहता है। यह भारत का रिकॉर्ड है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी iDrone नाम से लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी iDrone नाम से लॉन्च किया है। आपको बता दूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया है कि जीवन रक्षक टीके जो है सभी तक पहुँचे। तो अगला प्रश्न है, हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्मों और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का जो है 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो निधन हो गया है अरविंद त्रिवेदी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, हिंदी एवं गुजराती की जो है 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का जो है 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दूँ कि अरविंद त्रिवेदी जो है रामानंद सागर की रामायण में रावण की किरदार निभा चुका है। दोस्तों, यह है आज यानी 7 अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबल पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो पहला ऑप्शन है क्लाउस हासलमैन, दूसरा ऑप्शन है स्यूक्रो मनावे, तीसरा है जियोर्जियो परिसी और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है। दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको आज का 9 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है, आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ए और बी दोनों। तो अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में
400 छक्के लगा मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के सातवें बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है वेंडी वर्नर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न से किसने कार्यभार संभाला है? तो कार्यभार संभाल लिया है VC पटनायक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस यानी गंगा रिवर डॉल्फिन डे निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की है। तो इसे जारी की है श्री मनसुख मांडविया ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट आईड्रोन नाम से लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्मों और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो निधन हो गया है अरविंद द्विवेदी का, सॉरी त्रिवेदी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को, जब आप पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।